सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा की ध्वनि होती है ई। फिर से बोलिए ई। बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के दाई ओर लगाई जाती है। उच्चारण करते समय ये थोड़ी देर तक खींच कर बोली जाती है, तो किसी भी व्यंजन पर ये उसके दाई ओर मतलब राइट हैंड साइड पर लगाई जाती है। द, ई, दी, तो यहां पर खींच कर हमें बोलना है। देखिए क व्यंजन पर जब बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो आवाज आएगी की। न पे बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो आवाज आएगी नी। फिर से देखिए द, ई, दी, क, ई, की, न, ई, नी। अब आप भी उच्चारण करिए। चलिए कुछ चित्र देखते हैं। पहला चित्र है चाबी। च प्लस आ की मात्रा, ब प्लस बड़ी ई की मात्रा, बन गया चाबी। अगला चित्र देखिए बकरी। ब प्लस क प्लस र, र पे बड़ी ई की मात्रा, बन गया बकरी। अगला चित्र है लीची। ल पे बड़ी ई की मात्रा ली, फिर च पे भी बड़ी ई की मात्रा ची। जब दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा लीची, लीची। अगला चित्र देखते हैं ई ड ली। यहां पर बड़ी ई की मात्रा किस पे आ रही है? ल पे, तो इसलिए ई ड ली, इडली। चलिए कुछ और शब्द पढ़ते हैं। मछली। म छ ली, मछली। सी टी, सीटी। हा थी, हाथी। खी रा खीरा। फिर से बोलेंगे हा थी, हाथी। खी रा खीरा। अगला चित्र देखिए घड़ी। दोनों को जोड़ेंगे बन गया घड़ी। ठीक इसी तरह ची ल चील। फिर से बोलिए ची ल चील। आओ बच्चों अब हम एक कविता पढ़ते हैं। सीमा की दीदी लीची लाती, मीठी लीची सीमा खाती। मामी आती लीची लाती, मीठी लीची चट कर जाती। यहाँ पर हमने बड़ी ई की मात्रा के कौन कौन से शब्द पढ़े? सीमा, दीदी, लीची, मीठी, खाती, मामी, आती, जाती। देखा आपने, बहुत सारे शब्द हमने पढ़े। आइए एक छोटी कविता और पढ़ते हैं। बड़ी सी थी एक लकड़ी, दिखी उस पर एक मकड़ी। मकड़ी खाए हरी ककड़ी, ककड़ी पर मकड़ी पकड़ी। यहां पर हमने बड़ी ई की मात्रा के कौन कौन से शब्द पढ़े? बड़ी, लकड़ी,
मकड़ी, ककड़ी और पकड़ी। आइए अब हम वाक्य रचना करते हैं। वाक्य रचना मतलब शब्द दिए जाएंगे, उनसे हम वाक्य बनाएंगे। पहला शब्द है मछली। नीना मछली पकड़। अगला शब्द है साड़ी। राधा पीली साड़ी पहन। खीरा, रानी खीरा काट। पानी, सीता पानी पी। तो ठीक इसी तरह आप भी वाक्य बनाइए, इन्हीं शब्दों से कुछ और वाक्य बनाइए। चलिए अब हम बड़ी ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाएंगे। ये आपकी गतिविधि है। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ चित्र दिए हुए हैं और राइट हैंड साइड पर शब्द लिखे हुए हैं। अब जो शब्द है वो पूरे नहीं है, वो अधूरे हैं, उनमें मात्राएं नहीं है। आपको मात्रा लगानी है, मात्रा लगाकर शब्द पूरे करने हैं। चलिए शब्द पूरे करें। पहला चित्र है दीपक। सही पहचाना, दीपक। द पे बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा दीपक। अगला चित्र देखिए तीर। यहां पर बड़ी ई की आवाज किस पे आ रही है? त पे। तो आप त पे बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, ती र तीर बन जाएगा। अगला चित्र देखिए तितली। अब बड़ी ई की आवाज किस पे आ रही है? सोचिए सोचिए, जी ल पे आ रही है। तो हम ल पे बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे और बन जाएगा तितली। अगला चित्र है परी। तो र पे बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा परी। ठीक इसी तरह आप और शब्दों का अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।